नेवला की एक प्रजाति जिसे पहाड़ी भाषा में डिकलू के नाम से जाना जाता है। डलहौजी के बेनी खेत में इस प्रजाति के दो शाव सड़क किनारे पहुंच गए। पहली नजर में लोगों ने इन्हें भालू के शाव समझा। ये दोनों शावक स्थानीय टोल टैक्स बैरियर के नजदीक नाली में गिरे हुए थे, जिन्हें सुबह सबसे पहले टोल टैक्स के कार्यकर्ता कर्मचारियों ने देखा। वहीं स्थानीय लोगों को भी इस बात की खबर मिली और इस संबंध में वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। अक्सर जंगल की गहराइयों में छुपे रहने वाले ढीकलू को देखकर हर कोई अचंभित था। सर ये भाई रोड के किनारे मिले थे, सुबह फोन भी किया हमने, फर्स्ट वाला अभी तक कोई नहीं पहुंचा यहाँ पे। कितने घंटे हो गए फोन किए? करीबन पौना घंटा हो गया सर। अभी तक फर्स्ट वाला कोई नहीं आया? नहीं सर। क्या लग रहा है आपको, किसके बच्चे हैं? बच्चों की पहचान नहीं हो रही है सर। भालू के बच्चे लग रहे हैं? क्या बता सकते हैं सर। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने दोनों शावकों को अपने कब्जे में लेकर वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय सुर्खी गला में पहुंचा दिया है और सुर्खी गला में ही शावकों की देखभाल की जा रही है। जो बच्चे हैं ये भालू के बच्चे नहीं हैं, वैसे देखने को तो डिकलू के बच्चे लगते हैं और ये जंगल से आए हैं, ठीक है। और अब इनको थोड़ा सा बना के अपना कमेटी बना के लोकल प्रधान लेंगे और या उप प्रधान लेंगे या वार्ड में पंच मिलेगा, जो भी अवेलेबल होगा, तो फिर जंगल में छोड़ देंगे। और पत्रकार होगा हमारे साथ और वन रक्षक हमारे साथ और डीओ साथ हो गए राजकुमार जी।